जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों एक बार शेयर कर दें सभी साथी, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन आपके लिए फ्री टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। जैसे आज गुरुवार है तो आज भी इसका फ्री टेस्ट हुआ और रविवार को, यानी कि दोस्तों 2 दिन रविवार और गुरुवार 2 दिन टेस्ट होता है, निरंतर ये सीरीज चल रही है। तो आप भी इस टेस्ट में दोस्तों भाग ले सकते हैं। और साथ ही पंजाब मास्टर कैडर के लिए दोस्तों एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। हिंदी मास्टर कैडर के लिए दोस्तों पूरा कोर्स है 1099 का और मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया 599 का, जिसमें 4500 प्रश्न रहेंगे, है ना। एक दोस्तों टेस्ट रहेगा 150 प्रश्न का, जिस जैसा पेपर पूछा जाता है वैसे ही पूरा मॉडल रहेगा, है ना। और दोस्तों यहां पर संपूर्ण कोर्स हिंदी साहित्य का, जो कि आपके मास्टर कैडर जूनियर एडेड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जुड़ सकते हो। ये मात्र 1099 का कोर्स है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जूनियर सुपर टेट का न्यू बैच 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू बैच में जो भी 100 नंबर की हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हैं वो आज ही न्यू बैच से जुड़ जाए दोस्तों, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स से जुड़ जाए और अपना अध्ययन प्रारंभ कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया। 58 का आंसर आपको चयन करना है। ये सीरीज अपनी 9 बजे चलती है रोज दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। 4 विकल्प है, फटाफट सभी लोग बताते जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल, बताइए। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दे एक बार। और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर इसका उत्तर है वीर गाथा काल। सी नंबर आपका बिल्कुल सही, यहां पर सी नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। कौन सा महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा महाकाव्य है। साकेत, तुलसीदास युगवाणी या फिर विनय पत्रिका, कौन सा महाकाव्य है, महाकाव्य आपको चयन करना है कौन सा है, ये नंबर आपको बताना है। और यहां पर महाकाव्य पूछा है तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, साकेत। साकेत क्या है, महाकाव्य, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही। इसका रचना काल क्या है, 1931, ठीक है, 1931 है। मैत्री शरण गुप्त जी का रचन दोस्तों ये महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग, है ना। और गुप्त जी ने दोस्तों 2 महाकाव्य लिखे हैं, एक तो इनका जय जय भारत है, जय भारत महाकाव्य दोस्तों, है ना, जय भारत, ये 1952 का महाकाव्य है, 1952, ये 1931 का है, है ना। तो ये गुप्त जी का महाकाव्य है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आपको चयन करना है। चलिए बताएं सभी लोग, प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर आपको चयन करना है, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, कमजोर करना या फिर दुर्दशा ग्रस्त होना, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं, अपने मित्रों तक शेयर कर दें एक बार दोस्तों, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। और सभी लोगों ने आंसर बता दिया है इसका, क्या बताया है जल्दी से बताओ, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ दोस्तों, सरल प्रश्न है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम आबाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, है ना, आपको पता है सरस्वती पत्रिका, यानी कि 1900 से लेकर के 1920 का जो काल है वो द्विवेदी युग का काल माना जाता है, ठीक है। अब द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, है ना, ये आपको पता है। और दोस्तों एक इनकी रचना आपको बहुत अच्छे से पता है, संपत्ति शास्त्र, है ना, संपत्ति शास्त्र किसकी रचना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी,
है ना, और प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता किसकी है आपको बताना है। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 62, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। 62 का आंसर आपको चयन करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मास्टर कैडर वाले बिल्कुल भी देर ना करें, और मास्टर कैडर वाले अपने दोस्तों मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं, सभी लोग मॉडल पेपर में एडमिशन लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको 62 का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, और बिल्कुल सही है प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार ठाकुर जगमोहन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता आपको बताना, तब आपका उत्तर है किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि आपका उत्तर यहां पर सी नंबर सही है, सी नंबर, वेरी गुड। यहां पर हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु जी को, ठीक है। इनका जन्म 1850 में, एक दोस्तों इनकी रचना पूछी गई थी भ्रूण हत्या, है ना, भ्रूण हत्या पूछी गई थी, तो इसको भी अपन को याद करना है भारतेंदु जी के में, है ना। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा, पीजीटी में पूछा गया था दोस्तों, अभी कल परसों जो आपका एग्जाम हुआ था 17 में, श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, आपको बताना है 63 का आंसर। श्रृंगार काल की संज्ञा किस योग को दी थी आचार्य विश्वनाथ ने, बताइए। तो आपको बिल्कुल सही पता है कि सर जो श्रृंगार काल कहा था वो कहा था किसको, रीति काल को, रीति काल को, यानी सी नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। बहुत सारे साथी हैं दोस्तों जिनके मन में एक भाव रहता है कि सरल सरल प्रश्न है, लेकिन मैंने देखा है अधिकांश अभी जो एग्जाम हुए हैं कि वो व्यक्ति जो चाहते हैं कि बहुत सरल सरल, जो सोचते हैं कि बहुत सरल सरल है, वही व्यक्ति बहुत सारे नंबर वाले जो सरल क्वेश्चन है उन्हीं को गलत करके आए हैं, वही व्यक्ति क्यों गलत करके आए हैं, क्योंकि उनकी धारणा रहती कि ये सरल क्वेश्चन है, ये तो हमने एक बार पढ़ लिए। और मैं कहता हूं कि कितना भी सरल क्वेश्चन हो उसको बार बार पढ़िए, ताकि आप के अंदर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, है ना। सरल और कठिन के चक्कर में अपने आप को घसीटते जाते हैं, और वही सरल क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत करके आते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण यहां पर पूछा गया, और आपका उत्तर है बी, यानी कि नया, नया यहां पर गुणवाचक विशेषण है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है, सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए, सुबह शाम करना मुहावरे का समय व्यतीत करना, आवारा गर्दी करना, टाल मटोल करना, या दिन रात काम करना। 65 का आंसर आपको चेंज करना है, 65 में क्या हो जाएगा, सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ बताना है, और बहुत बढ़िया आंसर यहां पर आया है कि सर टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, यानी कि आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है, सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा, अच्छा क्वेश्चन है 66 का आंसर, रीति काल को अंधकार काल किसने कहा, त्रिलोचन ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ ने, या फिर अरुण कमल ने, बताएं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें एक बार, रीति काल को अंधकार काल किसने कहा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है बार बार, जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करिए। रीति काल को अंधकार काल पूछा गया यहां पर, तो बताइए किसने कहा है, तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर त्रिलोचन, यानी कि ए नंबर आपका यहां पर विकल्प अनुसार ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। यहां पर देखो, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, कहानीकार कौन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है हिंदी कथा साहित्य में, यानी कि 67 का आंसर आपको चेंज करना है, 67 में सर्वाधिक पूछा गया है, इसलिए सर्वाधिक आपको बताना है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है हिंदी कथा साहित्य में, सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 67 का आंसर आपको चयन करना है। जो भी हमारे जूनियर सुपर टेट वाले साथी हैं वो एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, 2 सितंबर से उनकी दोस्तों तैयारियां चालू हो जाएंगी,
है ना, हिंदी के 100 नंबर के लिए, 100 नंबर के लिए हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, तब आपका उत्तर है दोस्तों प्रेमचंद, प्रेमचंद है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा व्यंग लेखक है, कौन सा व्यंग लेखक है, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र, राहुल सांकृत्यान या फिर हरिशंकर परसाई, व्यंग लेखक कौन है दोस्तों। 68 का आंसर आपको चयन करना है कि व्यंग लेखक कौन माने जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जला जाएगा, व्यंग लेखक कौन है, व्यंग लेखक। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों सदाचार का तावीज, है ना, सदाचार का तावीज यही आया था ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई, ये व्यंग लेखक हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना घायल करना या फिर परेशान करना। 69 का आंसर बताना, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है इसको। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या माना जाता है, सभी लोग बताएंगे, उत्तर सही बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 69 है और 69 में आपका सीधा आंसर जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर उसने तो छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए मतलब हरा दिया, हराना, हराना आपका सही होगा यहां पर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा कैसी थी दोस्तों बताइए, कबीरदास के बारे में भी पूछा जाता है, कबीरदास की भाषा कैसी थी ये बताना है, है ना। ये सिकंदर लोदी के दोस्तों क्या थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कौन, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास अपन को याद करना है, इनका जन्म भी आपको बताना है कब हुआ था कबीरदास के बारे में, और कबीरदास की भाषा कैसी थी, सादुकड़ी। बहुत सारे कंफ्यूज होते, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते इसमें कि कबीरदास की भाषा को सादुकड़ी किसने कहा, सादुकड़ी दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, कंफ्यूज नहीं होना, कंफर्म कर लेना आज, सादुकड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, किसने, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर। मैंने कई बार याद करवाया कि जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो सुंदर बनेगी, सुंदर, तो श्याम सुंदर ने पंचमेल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सादुकड़ी। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग, सेवा बाबनी के रचनाकार कौन है, है ना, सेवा बाबनी बताना है दोस्तों, सेवा बाबनी के बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, 1398 में जन्म हुआ था दोस्तों, किसका, कबीरदास का। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था शिवराज भूषण, मैंने कई बार आपको रटवाया था कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं, है ना, और शिवराज भूषण में दोस्तों 105 अलंकारों का वर्णन है, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको बताया, कई बार, है ना। तो यहां पर शिवराज भूषण दोस्तों, शिवराज भूषण के रचनाकार भी भूषण है, छत्रसाल दशक के भी रचनाकार भूषण है, है ना, और यहां सेवा बाबनी जो है इसके रचनाकार भी कौन है, भूषण है, यानी कि दोस्तों सेवा बाबनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, सभी लोगों को पता है और सभी लोगों ने अच्छा आंसर बताया, भूषण, यानी कि आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। सखी बे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, सखी बे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति के रचयिता का बताना है, रचनाकार आपको बताना है, 72 का आंसर आपको चयन करना है, अज्ञे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर दोस्तों जल्दी से चयन करिए कौन है, चार विकल्प हैं, क्वेश्चन अच्छा है और जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर आपको चयन करना है, सखी बे मुझसे कहकर जाते, और सीधा आंसर है कि सर ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और ये रचना कहां से ली गई दोस्तों, यशोधरा, कहां से, यशोधरा, आपसे पूछा गया था अभी, यशोधरा का रचना काल 1933, ये क्या है दोस्तों, ये खंड काव्य है यशोधरा, है ना, तो यशोधरा अपन को याद करना है। अब यहां पर याद रखना है, चैप्टर वाइज भी होता है, वन लाइनर भी होता है, है ना, टेस्ट भी होते हैं, विस्तृत अध्ययन भी होता है, ट्रिकी वीडियो भी होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, 73 का आंसर, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अनुप्रास रूपक या फिर उपमा, पता है, चरण कमल बंदो हरिराई,
में कौन सा दोस्तों अलंकार है, और अलंकार में बहुत अच्छा आंसर बताया आपने, क्या बताया है दोस्तों, कौन सा अलंकार है, रूपक, रूपक यानी कि 73 का सी आंसर आपका सही है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों, 74 का आंसर अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई या फिर वह, अनिश्चय वाचक सर्वनाम आपको चयन करना, अच्छा क्वेश्चन है, अनिश्चय पूछा गया जिसका कोई निश्चय ना हो, है ना, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम यहां पर बताइए कौन सा है, 74 का आंसर सभी लोग बताएंगे। और 74 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कोई, है ना, कोई आपका क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, यहीं से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, है ना, कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, है ना, कई लोग गलत करके आए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, 75 का आंसर आपको बताना है 75 में, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है ना, ऐसा पूछा गया था, तब आपको पता होना चाहिए कि सर हिंदी की कविता, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे निराला, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, तब भी आपका उत्तर निराला होना चाहिए। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है दोस्तों, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, नागार्जुन या फिर अजित कुमार, नई कविता के प्रतिमान इसके रचनाकार कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान, एक पूछा जाता है क्या, कविता के नए प्रतिमान, और एक पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान, है ना, तो यहां पर नई कविता के प्रतिमान आपसे पूछा गया, तो अपन ने याद किया था नई, नई अगर पहले आए तो नई नई लक्ष्मी, नई नई लक्ष्मी, तो नई नई लक्ष्मी से क्या हो जाएगा, नई नई लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी, बोले सर अपन नई नई लक्ष्मी पकड़ते हैं, कैसी लक्ष्मी पकड़ते हैं, नई नई लक्ष्मी पकड़ते हैं, तो नई नई लक्ष्मी अपन को याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है, नई नई लक्ष्मी पकड़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत वर्मा अपना हो जाएगा यहां पर। कविता के नए प्रतिमान में आपको पता चल गया कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है। कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, बताइए कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय चतुर्वेदी द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 77, कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, ये आपको चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या है, प्रश्न क्रमांक 77, सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे कौन, 77, और 77 का आंसर है कौन नहीं रहे, ये तो रहे दोस्तों कौन, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, है ना, तो ये शांति यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी जिन्होंने बताया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो शांति प्रिय द्विवेदी डी नंबर राइट आंसर। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्र, ये कथन किसका है, भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्र कथन किसका है, तुलसीदास का, भिखारी दास का, केशवदास या फिर मतीराम का, किसका है कथन, भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्र, अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा कि भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्र, है ना, सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, 78 का आंसर बताना है, और 78 में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर केशवदास, केशवदास यानी कि सी नंबर, है ना, भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्र, ये केशवदास की पंक्ति है, केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक नगेंद्र ने माना दोस्तों, नगेंद्र ने आपको पता है, वेरी गुड। हिंदी प्रदीप की SSB संपादक के कौन थे दोस्तों, बताइए हिंदी प्रदीप के 1977 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था हिंदी प्रदीप, ठीक है, तो आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप की SSB संपादक का नाम क्या है, बताइए राधा कृष्ण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन, बताएं। प्रश्न क्रमांक 79 का आंसर सभी को चयन करना है कि हिंदी प्रदीप की SSB संपादक कौन थे,
हिंदी प्रदीप के एसएसबी संपादक कौन थे? अपन ने पढ़ा है कि हिंदी प्रदीप यानी कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। बोले सर भट्टा से भरत गए तो बालकृष्ण भट्ट 1844 में जन्म हुआ था इनका, है ना। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ दोस्तों लेखक माने जाते हैं। और एक और बात है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, है ना, है आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? 80 का आंसर, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? 80 में आपको चयन करना है हम दीवानों की क्या हस्ती, और 80 में आपका सही आंसर देखते हैं क्या होता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले, ये पंक्ति किसकी है? और ये पंक्ति मानी जाती है भगवती चरण वर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है भगवती चरण वर्मा, वो बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर क्या है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा आपका राइट है। पंत की प्रगतिवादी रचना कौन सी? अच्छा क्वेश्चन है। पंत की प्रगतिवादी रचना अपन को चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दो अपने मित्रों तक, और पंत की प्रगतिवादी रचना को बता दो कौन सी है। पंत की प्रगतिवादी पंत का जन्म हुआ था दोस्तों 1900 में, है ना, कोसानी अल्मोड़ा में, ठीक है। और पंत की प्रगतिवादी रचना आपको बताना है कौन सी है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। 81 का नंबर, 81 का सही सभी को चयन करना है। और सबसे पहले अजय शर्मा जी ने उत्तर बताया ए नंबर, यानी कि युग बाणी। बहुत बढ़िया आंसर, युग बाणी ये प्रगतिवादी रचना मानी जाती है दोस्तों इनकी, ए नंबर, ठीक है, ये सही है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, ये लोकायतन है दोस्तों इनका महाकाव्य पंत का, और ये लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसका रचना काल 1964 है दोस्तों, 64, ठीक है। तो लोकायतन अपन को याद करना है। और मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, प्रश्न क्रमांक 82, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है 82 का? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या फिर केवल पढ़ाई लिखाई में काम में लाई जाने वाली भाषा। यानी कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न क्रमांक 82 है, 82 में आपको चयन करना है। और 82 में आपको पता है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये आपको चयन करना है, है ना। और अपन देखते हैं कि सर खड़ी बोली को मानक हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है, है ना, हिंदी में अपन देखते खड़ी बोली को। और यहां पर सबसे उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहित्यक पुस्तकों की भाषा, यानी कि ए नंबर, ये मानक हिंदी से तात्पर्य, यानी कि ए आपका यहां पर बिल्कुल सही है नंबर। जिन्होंने बताया रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों, किस रचना के लिए हुआ दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? प्रश्न क्रमांक 83, किस रचना के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये आपका प्रश्न है रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, या फिर उर्वशी पर, किसके लिए मिला है? सभी लोग बताएं, है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 83 में, और 83 का सीधा आंसर जाएगा कि सर उर्वशी, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1978 में, 78 में मिला था कि 72 में? और सर 72 में मिला था इनको, 1972 में, 78 में तो अज्ञेय जी को मिला था, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, ठीक है। और 82 में मिला था दोस्तों किसको? यामा के लिए, महादेवी वर्मा। और एक आपसे पूछा गया था 1968 का चिदंबरा, ये आपसे पीजीटी में पूछ लिया गया था, चिदंबरा के लिए 1968 में सबसे पहले, फिर 1972 में उर्वशी के लिए, 1978 में दोस्तों अज्ञेय के लिए, और 1982 में यामा के लिए। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताना है आपको, सभी लोग बताएं। बिल्कुल 1961 की रचना है उर्वशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, या फिर कुतुबन, बताएंगे। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो चार विकल्प हैं, 84 का आंसर आपको चयन करना है। 84 में आपका सही आंसर क्या होता है ये आपको बताना है। और सीधा आंसर आपका जाएगा कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वो रचयिता कौन है? जिनकी रचना है दोस्तों कौन सी? चंदायन। कौन सी रचना है? चंदायन। और चंदायन के रचनाकार कौन है? बोले सर मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं। ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है, है ना। नूर मोहम्मद की दोस्तों अपन ने अनुराग वासरी और इंद्रावती अपन ने पढ़ी है ना। और दोस्तों
ये जायसी की तो पद्मावत पड़ी है, कुतुबन की मृगावती जिसे रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, और प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि आपको बताना है। चार विकल्प है, प्रकृति के सुकुमार कवि बताना है, 85 का आंसर आपको चयन करना है और आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, सभी को पता है और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आज। तो दोस्तों बताएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और सभी साथी जो भी हमारे साथी आगे टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, जो भी साथी हमारे आगे पीजीटी की तैयारी करने वाले, एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले लें, है ना। सितंबर के बाद सारे कोर्सों की प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए सभी से निवेदन है जिनको भी अभी दोस्तों एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, ऑफर भी अच्छे हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा ही मां बाप होना, अत्याधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या फिर मर जाए पर पैसा ना जाए। तो यहां पर आपको 86 का आंसर सभी लोग बताएंगे। जूनियर सुपर टेट के 100 नंबर हिंदी के लिए जिनको एडमिशन लेना है वो अभी ले सकते हैं, कितने में, मात्र 1099 में, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ आपको चयन करना है, 86 का आंसर आपको बताना है। और सभी को पता है दोस्तों, अत्याधिक कंजूस होना, अत्याधिक कंजूस होना, है ना। तो यहां पर आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्याधिक कंजूस। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, सभी लोग बचाएं। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगे होना, बेमेल तथा बेढगा होना। तो आधा तीतर बेढगा, तो आधा तीतर आधा बटेर आपको बताना, 87 का आंसर है ना, बेढंगा है ये, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर आधा तीतर आधा बटेर का ए होगा, बेमेल तथा बेढंग का होना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बेढंगा होना, ठीक है, डी नंबर बताया आपने, राइट आंसर, वेरी गुड। कथा सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों, कथा सम्राट बताइए, 88 के, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, ये प्रश्न क्रमांक 88 है, 88 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। और 88 में आपका सभी लोगों को पता है लगभग, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी यानी कि आपका जो ए नंबर है उनका आंसर सही है, कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 89 का, थोड़ा सा हटके है, अलग है, लेकिन आप सभी बता पाओगे इसको, बाल चित्रण में कौन सा कवि दोस्तों श्रेष्ठ है। आप अगर फ्री दोस्तों प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो सप्ताह में 2 दिन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, फ्री करवाई जाती है ना, इस फ्री टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो दोस्तों। और यहां पर आपको चयन करना है कि बाल चित्रण के लिए कौन सा कवि श्रेष्ठ है, इसका आंसर आपको चयन करना है, और 89 का क्वेश्चन का है। और दोस्तों जल्दी से सभी लोग बताएंगे बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, और सभी लोगों ने अच्छा आंसर बताया है 89 में, राइट आंसर आ गया है सूरदास, सूरदास यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के रचयिता कौन है, 90 का आंसर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्ति किसकी है, 90 प्रश्न है, 90 और 90 में उत्तर बताना है, और बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपका जाएगा कि सर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है दोस्तों किसका है, ये प्रश्न है ले चल मुझे भुलावा देकर, है ना, मेरे नाविक धीरे धीरे, सभी लोगों ने अच्छा आंसर लगाया है, जय शंकर प्रसाद, यानी कि आपका बी नंबर प्रसाद, 80 है ना, 1989 में इनका जन्म हुआ था प्रसाद का, है ना। सज्जन इनका प्रथम नाटक है, राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है ना, ये भी आपको पता है, और ये जयशंकर प्रसाद याद रखते हैं ना, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये कथन किसका है, प्रश्न क्रमांक 91, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुक्ति बोध रामचंद्र शुक्ल, या फिर जयशंकर प्रसाद का, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन आपको चयन करना है, प्रश्न अच्छा है, 91 का क्वेश्चन आपको बताना है। डेमो क्लास ऐप डाउनलोड कर लो मिथिलेश कुमारी जी, है ना, डाउनलोड कर लो ऐप, ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप पर आपको दोस्तों मिल जाएगा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है,
ये 91 का आंसर, और 91 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है, यानी कि आपका जो सी नंबर है 91 में वो बिल्कुल सही है। 91 का जिन्होंने चयन किया है रामचंद्र शुक्ल लगा है उनका आंसर बिल्कुल सही। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है, काव्य अलंकार के रचनाकार बताना है 92 का आंसर। 92 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, बताइए ये पूछा गया था क्या? नहीं पूछा गया था, दस कुमार चरित पूछा गया था, दस कुमार चरित के रचनाकार कौन है, है ना, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, और काव्य अलंकार यानी कि 92, और 92 का आंसर है आपका कि सर काव्य अलंकार के रचनाकार है कौन, भामा है। भामा है, भामा है आपको पता है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भामा क्या माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, इनको याद करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है, बताइए ये किसकी परिभाषा पूछ ली गई थी दोस्तों, है ना, कि बिना कारण के भी जहां पर कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये परिभाषा पूछ ली गई थी आपके पीजीटी एग्जाम में कि बिना कार्य के भी जहां बिना कारण के भी कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, और यहां उदाहरण दिया गया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है, तब आपको पता होनी चाहिए कि चाहे परिभाषा दे और चाहे उदाहरण दे, जब आप पता है तो आप यहां पर विभावना अलंकार लगाओगे, है ना, कि जहां पर कारण के होते हुए भी दोस्तों, जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार हो रहा है, सॉरी जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार हो रहा है ना, जहां पर कारण भी नहीं है और कार हो रहा है वहां पर विभावना अलंकार है, और जहां पर कारण है लेकिन कार नहीं है वहां पर विशेषोक्ति है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, कलम का सिपाही यानी कि 94, कलम का सिपाही के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बिल्कुल सही है 94। सोनू जी बोई बोई नहीं आते, अलग अलग है सब, अच्छे से जाके देखो कलम का सिपाही का लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 94, और 94 में आपका राइट आंसर है कि सर कलम का सिपाही हो या फिर प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में एक जीवनी लिखी थी शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद घर में, है ना, और कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, और कलम का सिपाही कहा जाता है किसको, प्रेमचंद को, कलम का सिपाही प्रेमचंद, ठीक है इसको याद कर लेना। लेकिन कलम का सिपाही का लेखक पूछा गया इसलिए अमृत राय, अगर आपसे पूछा जाता कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तब आपका उत्तर होता प्रेमचंद, है ना। शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद घर में, एक जीवनी लिखी थी। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे, प्रश्न क्रमांक 95 है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते रहना अपने मित्रों तक, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, और आपकी जो परीक्षा है जो भी है हिंदी साहित्य को बंद नहीं करना, हिंदी साहित्य को निरंतर अपन को पढ़ना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा दोस्तों, है ना। सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद मध्वाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य, बताएं 95 का आंसर, और 95 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर सूरदास के जो गुरु थे वो गुरु थे कौन, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य थे, यानी डी नंबर आपका सही है, है ना, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, कौन से मार्ग की, पुष्टि मार्ग की स्थापना, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, कौन, वल्लभाचार्य। जायसी किस धारा के कवि हैं, जायसी, जायसी बताना है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कि जायसी किस धारा के कवि माने जाते हैं, है ना, और ज्ञानमार्गी धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी या फिर रासक काव्य धारा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 96 है, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, और आपका यहां पर सही है कि सर जायसी जायस के रहने वाले थे इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा, और जायसी ये प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि थे, यानी कि बी नंबर आपका सही है। प्रेमाख्यान काव्य धारा से कल आपसे मधु मालती को सुमेलित करने के लिए कहा था कि मधु मालती किसकी रचना है, आपको पता था मंझन, मंझन आपके सामने जोड़ी में कुतुबन लिखा था, मंझन आपको पता है किसी किसी का तो मधु से ही क्या होता है, मंझन होता है, तो मंझन कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, कितने पाकिस्तान, 97, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या फिर खुशवंत सिंह, यानी कि 97, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें, कितने पाकिस्तान,
कमलेश्वर यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, ये आपको बताना है। 98 का आंसर आपको चयन करना है और 98 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर बिहारी, बिहारी ने किया, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। बिहारी का दोस्तों, बिहारी सत्सई मुक्तक काव्य है। बिहारी सत्सई क्या है, मुक्तक काव्य। इसमें कितने दोहे, 713 दोहे, 719 कहीं कहीं मिलता है आपको, है ना, बिहारी सत्सई में। और यहां पर आ जाओ, महाभोज रचना किस की प्रधान समस्या को उजागर करने का विकल्प चुनिए। महाभोज दोस्तों, इस रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को आपको चयन करना है कि महाभोज में किस समस्या को उजागर किया गया है। 99 का आंसर अच्छा है, सभी लोग लाइक जरूर करते जाए, शेयर करते जाए अपने मित्रों तक। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस जारी रहने दें। बताएं महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला जो विकल्प है वो विकल्प कौन सा है, ये आपको चयन करना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और लगभग सभी लोगों ने बताया है कि इसमें दोस्तों वो समस्या बताई है, राजनीतिक समस्या, यानी कि सी राजनीतिक समस्या आपका बिल्कुल सही है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, और सभी लोग बताएंगे कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, ये आपका क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। और 100 नंबर में सीधा आंसर आपका जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, 99 का आंसर बताना है 100 नंबर का। दोहे और रोले को क्रमशः मिलाने पर बनता है दोस्तों कौन, कुंडलियां। क्या बनता है, कुंडलियां बनता है, यानी कि यहां पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दोहे को और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद बनता है, यानी कि बी नंबर आपका सही है। वेरी गुड। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, राजीव, पंकज, जलद या फिर अंबुज। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 101 नंबर है, 101 नंबर का आपको चयन करना है। और 101 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है बताना, नहीं है, तो नहीं है कौन सा, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, राजीव, पंकज, जलद या फिर अंबुज। और लगभग सभी को पता है कि सर राजीव भी है ना, और पंकज भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, जलद, जलद नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर सी सही है। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका सही है दोस्तों, है ना, और सी जिन्हों का आंसर है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि कमल का पर्यायवाची हमेशा पूछा जाता है, जबकि आप लोग याद नहीं करते, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से बताया था, है ना। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, बताइए, व्यंग परक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर एक ऐसी कविता मानी जाती है। 102 का आंसर सभी को चयन करना है। और ऐसे कितने साथी हैं दोस्तों, सभी लोग बताएं। और यहां पर 102 में बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर ये जो है तोड़ती पत्थर, ये यथार्थवादी मानी जाती है, यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर निराला की रचना है दोस्तों, निराला की, है ना, निराला याद रखते ना, निराला जी को, ये तोड़ती पत्थर निराला की यथार्थवादी रचना है, है ना। तार सप्तक का कवि नहीं है, कौन सा नहीं है, तार सप्तक का कवि, तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं माना जाता, प्रश्न क्रमांक 103 है। सभी लोग एक बार लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर करो। एक क्लास रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों आपकी, अभ्यास करते रहो। जिन भी साथी, जो भी साथी हमारे जूनियर टेट वाले हैं दोस्तों, है ना, वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 2 सितंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि शुरुआत से अध्ययन हिंदी के 100 नंबर के लिए, 100 नंबर के लिए, ठीक है। तो तार सप्तक का कवि नहीं है, नैमी चंद्र जैन है, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से, यानी कि आपका डी नंबर आपका कट हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। ये 2020 टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों बिल्कुल फ्री, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, है ना, सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार गुरुवार, इससे आप जुड़ जाइए, है ना। उसके बाद दोस्तों मास्टर कैडर का स्पेशल मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, तो ये मास्टर कैडर का स्पेशल मॉडल पेपर जिसमें 4500 क्वेश्चन
आप पढ़ोगे, 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे 599 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, जो भी हमारे साथी मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जो भी दोस्तों एलटी वाले साथी हैं, या जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों जूनियर टेट वाले, और जो भी आगे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हो अभी 1099 में। सितंबर के बाद सारे कोर्सों की प्राइस बढ़ जाएगी दोस्तों, आपके लिए अभी सबसे बढ़िया ऑफर है ना, जूनियर टेट का 2 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट बिल्कुल प्रारंभ से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, दारसु जी, आकांक्षा, सोनू जी, विनीता जी, सोहन जी है ना, मनु जी, रीनू कुमारी जी, कमला जी, अनीता जी, बबीता, नीरज जी, एंटरटेनमेंट जी, कमलदीप जी, अंजू जी, दारसु बहुत बढ़िया, ममता जी, मनीषा, साई, सृष्टि जी, कल्पना, अमिता राणा जी, सोनू, के एम जी, प्रमोद जी, पूनम, कुबेर, डोली जी, प्रियंका, हेमानी, दारसु जी, श्यामधन जी, रीता यादव जी, सरोज जी, दारसु, छाया जी, पूनम, निर्मला, सोनू जी, प्रियंका, सिका जी, कुमारी, हेमा, हेमानी जी, लवली जी, मधु जी, बबीता, श्याम धन, नौटियाल जी, बिशु जी, सोनू जी, विवेक जी, गोलू जी, जसवंत जी, स्नेह जी, अनीता, अमिता, छाया बिल्कुल, विनीता जी, मुसरत निशा जी, धन्यवाद सभी साथियों को, गोलू जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग लगे रहे, गीतिका जी, मधु जी, सोहन जी, छोटी राय जी, स्नेह लता, गोलू जी, देवेंद्र जी, फ्रीडम जी है ना, निशा, नीरज जी, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी अध्ययन कर सकते हैं, पूनम सिंह जी बिल्कुल, ठीक है, लोकेश जी, कुमारी हेमा, प्रियंका जी, डॉली जी, विशु जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम पार में 10 बजे एक क्लास और होती है, उस क्लास को अटेंड करिए और पढ़ते रहिए निरंतर, ठीक है। सुबह 9:30 बजे एक क्लास आती है, सुबह दोस्तों 8 बजे एक क्लास कवियों के परिचय से संबंधित आती है ना, तो इन क्लासों को आपको शाम को 8 बजे एक क्लास आती है, इनको सभी लोग पढ़ते रहिए, पैड क्लास ले लीजिए, राम सुमरन जी बिल्कुल है ना, वंदना जी, बबीता जी, प्रदीप जी, सोहन जी, सभी साथियों को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, अत्यांश, विशु जी, छाया यादव जी, साक्षी जी, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करते